सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन। और जैसे कि आज मेरा डिफेंस का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया है और इसी के साथ हमारे बीएससी वालों के आई थिंक सारे प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो चुके होंगे। ठीक, तो वैसे मेरा तो ख़त्म हो चुका है आज, बट काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि डिफेंस का प्रैक्टिकल किस तरह गया, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा, कहाँ से वाइवा के क्वेश्चन उठ के आ रहे थे, क्या एग्ज़ाम का मतलब जो हमारा पेपर था उसका क्या पैटर्न था। ठीक, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, कौन कौन से नहीं पूछे गए, क्वेश्चन पेपर में कोई ऑप्शनल मतलब ऑप्शन था हमारा कि कोई क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, कौन कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस तरह का कुछ था। ठीक, क्या क्या लेके जाना है प्रैक्टिकल में, क्या नहीं लेके जाना है। ठीक है ना, तो इन सारी बातों का हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको जो है अपने साथ आईडी कार्ड और अपना एडमिट कार्ड और सर्विस प्रोटेक्टर स्केल है ना, और पेंसिल रबर ये सब सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। फ़ोन और बैग आप लेके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट बाहर ही रखवा दिया जाएगा वो। ठीक, फिर अब हम अगली बात पे आते हैं कि हमारा जो है वहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले आपका नाम और आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, फिर आपकी मम्मी का नाम और आपके पापा का नाम, वो जो उनके पास शीट होगी उससे वो कन्फर्म करेंगे, और फिर आपको आपकी सीट पर बैठा दिया जाएगा। ठीक, सीट पर आपके पास नंबर एक लिखा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई एक नंबर लिखा होगा। जो नंबर आपकी सीट पे लिखा होगा वही नंबर आपको जो है उसी नंबर का मतलब वो मिलेगा आपको, सेट पेपर आपको उसी नंबर का मिलेगा। ठीक, इसके बाद आप जब जो है जैसे ही आपके पास पेपर आएगा ना, तो वो पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक, आपको 4 के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और आपके 4 टॉपिक्स हैं सिलेबस में और उन 4 टॉपिक्स से आपका एक एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक अगर छोड़ के जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। 4 टॉपिक्स हैं और 4 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% है छूटना। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा स्केल लाइन से, और फिर बाकी अगले क्वेश्चन होंगे आपके बियरिंग से, फिर सेक्शन इंटरसेक्शन से होगा, और फिर इंटरविजिबिलिटी से होगा 4th क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 10 मार्क्स का, और बाकी क्वेश्चंस की नंबरिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो 8 से 7 मार्क्स में वेरी करेंगे। 35 नंबर का आपका रिटर्न होगा और बाकी 10 नंबर का आपका वाइवा होगा, 5 नंबर का आपका फाइल पे मिलेगा। तो आप अच्छे से फाइल अगर कवर ओवर नहीं चढ़ाए हैं तो कवर चढ़ा के जाइएगा, अच्छे से नेम स्लिप लगा दीजिएगा, एक तो लोगो लगा दीजिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, बहुत होगा इतना। अब क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, तो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो वो ईजी टू नॉर्मल था, हार्ड तो था ही नहीं। ठीक, और आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो एकदम वैसे ही आए थे जैसे आपके जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आपके बताए गए हैं, एकदम सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे, नंबर्स इधर उधर हुए होंगे बस। ठीक है, ये आपका हो गया कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। अब आपका जो है आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा हाई जैसे परेशान नहीं होना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इजी आ रहा है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पूछने का भी मौका मिल जाएगा, बट पूछने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि बगल वाले का सेट ही अलग रहेगा। आपका MD आप जब निकालोगे तो वो आपका 4 सेंटीमीटर या 4.3 सेंटीमीटर आ रहा होगा, बट दूसरे वाले से अगर आप पूछोगे तो उसका MD 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इस तरह आ रहा होगा। तो एकदम, क्योंकि आपको जो नंबर मिलेगा आपको वो सेट मिलेगा और आपके इर्द गिर्द सारे सेट अलग होंगे। ठीक, तो पूछ के अगर आप सोचो कि MD निकाल लो या GB ग्रिड बेयरिंग निकाल लो बेयरिंग वाले उसमें है ना, रिसेक्शन इंटरसेक्शन में 6 फिगर कन्फर्म कर लो किसी से पूछ के, तो ये नहीं काम करने वाला है वहाँ पे, क्योंकि सबका पेपर अलग अलग रहेगा। ठीक, पहली बात, जिसका सेम रहेगा तो वो बहुत बहुत ही दूर बैठे रहेंगे, आप पूछ ही नहीं सकते हो, ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका रिटर्न से। ठीक है ना, अब चलिए हम शिफ्ट होते हैं वाइवा पे, कि वाइवा पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि आपको टोटल 3 घंटे में आपको ये पेपर रिटर्न मतलब अपना करना है, और इसी में आपको बीच में बुलाया जाएगा वाइवा के लिए, 5 से 10 मिनट का आपका वाइवा होगा, वापस आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट वाइवा का कोई आपको बिल्कुल, देखिए टाइम की तो बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है, आराम से आपका पूरा हो जाना चाहिए 3 घंटे में। ठीक है ना, 3 घंटे बहुत होते हैं, 4 केवल प्रैक्टिकल करवाना है आपको, मतलब 4 क्वेश्चन सॉल्व करने प्रैक्टिकल के, तो आराम से 3 घंटे में हो जाएगा आपका। ठीक है, इनफ टाइम रहता है आपके पास। अब वाइवा के क्वेश्चंस पे आते हैं, तो वाइवा में देखिए बेसिक डेफिनेशन और आपकी बेसिक नॉलेज मैप के अबाउट पूछी जा रही है, कि आपको मैप
की मैथ की बेसिक जानकारियां हैं कि नहीं। कोई ऐसे आपको फंसाने वाले क्वेश्चन या फिर आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन वाई वे में नहीं पूछे जा रहे हैं, सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप क्लासेस अटेंड किए हो प्रैक्टिकल की और अच्छे से मैथ के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, ठीक, तो आप बता ले जाओगे वहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे मेरे से जो पूछा गया, सबसे पहले मेरे से आते ही मन पूछा गया कि मैप की डेफिनेशन क्या है, ठीक, तो मैंने बता दिया कि मैप कोई भी जो है हमारा अर्थ का एक पार्ट होता है, ठीक, जिसको हम पेपर में या 2D में रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशनल साइन और स्केल की मदद से, तो वो हमारा क्या होता है, मैप होता है, ठीक, उसको हम मैप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि स्केल क्या होती है, ठीक, तो स्केल भी हमने बता दिया कि स्केल जो है हमारा जो है मदद करता है हमको बताने में कि ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है और मैप पे कितना डिस्टेंस है, उनके बीच का अनुपात रेशियो बताने में हमारा स्केल मदद करता है हमको कि नी दो पॉइंट पे, ठीक, और वही दो पॉइंट हमारे ग्राउंड पे भी होने चाहिए अगर वो दो पॉइंट हमारे मैप में है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई स्केल की। स्केल के बाद अगर हम आते तो अगली चीज़ जो हमसे पूछी गई थी वो पूछी गई थी बियरिंग, ठीक, तो बियरिंग हमसे पूछी गई थी, बियरिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी, तो हमने मतलब बता दी थी कि किसी भी नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल, ठीक है, ऑब्जेक्ट और पोजीशन और ऑब्जेक्ट की लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन का किसी भी नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल डिग्रीज में, ठीक, मतलब जिसकी यूनिट की किस यूनिट में मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो वो बियरिंग कहलाती है, ठीक। फिर पूछे थे किस टाइप की बियरिंग होती है, चार टाइप्स की बियरिंग हमने बता दी थी। फिर पूछे थे कि ईस्टिंग लाइन्स और नॉर्थिंग लाइन क्या है, आपके सामने मैप दिया रहेगा वहाँ पे, आप जब वाइवा दोगे तो जस्ट आपके सामने मैप रहेगा और सामने सर बैठे रहेंगे, ठीक, तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको मैप देख के ही बता देना है। तो वो क्वेश्चन आपसे करेंगे कि बताइए अच्छा इसमें ईस्टिंग लाइन्स क्या हैं, नॉर्थिंग लाइन्स क्या हैं, ठीक, तो वो आप नॉर्थिंग लाइन और ईस्टिंग लाइन बता दोगे। और उसके बाद जो है आप ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन जैसे ही बताओगे, फिर आपका आ जाता है कि मेरे से पूछे थे इसके बाद, यही सब पूछे थे, हाँ, उसके बाद मेरा वो उन्होंने एक नेचुरल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि मेरे नाम की मीनिंग क्या है। जैसे सफल है तो उन्होंने पूछा था कि ये एक हिंदी वर्ड है कि उर्दू वर्ड है, तो मैंने कहा हिंदी वर्ड है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा इसका उर्दू में क्या मतलब होगा, तो वो मैं नहीं बता पाया था, बट बाद में जाके मैंने देखा तो इसका मतलब होता है कि कामयाब, तो वो एक उर्दू वर्ड है। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। मेरे साथ एक लड़का था, वो मतलब कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, चार के चारों क्वेश्चन उसके नहीं आते थे, ठीक, तो जो सर बगल में थे, आई थिंक वो स्कॉलर थे, तो उन्होंने कहा MN वर्मा सर जो है हमारे, उनसे कि सर आप कोर्स से क्वेश्चन पूछ लीजिए इससे अगर ये नहीं बता पा रहा है। तो MN वर्मा सर ने मना कर दिया था कि कोर्स से क्यों पूछूं, क्योंकि डिफेंस मतलब प्रैक्टिकल का वाइवा चल रहा है, कोर्स का वाइवा नहीं चल रहा, तो इस वजह से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही पूछे जाएंगे, कोर्स से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। हमारे से इन द केस, क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, मैंने बाकियों से जिससे पता किया है उसके कंपैरिजन में उनको केवल 3 क्वेश्चन में ही मतलब उनको मार्क्स देके हटा दिया गया है। हमारे में ऐसा था जो 5 क्वेश्चन हमसे पूछे, छठा वो मेरे नाम के ऊपर पूछ लिए तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, तो मोटे मोटे 5 क्वेश्चन ही डिफेंस के प्रैक्टिकल से हमसे पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस के लेवल ही आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह है, तो आपको बेसिक डेफिनेशन तैयार करके चली जानी है, मैप की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मार्जिनल इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या बताती है ये देख लीजिएगा, नॉर्थिंग लाइन ईस्टिंग लाइन क्या होती हैं ये देख लीजिएगा वाइवा के लिए। फिर आप बियरिंग में देख लीजिएगा कि जो हमारी, मैंने वैसे तो वीडियो बियरिंग वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारी ट्रू बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और कंपस बियरिंग में अंतर क्या होता है, बट ये भी मतलब थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है, इतना नहीं पूछते अंतर क्या होगा, है ना, बट हाँ ये पूछते हैं कि कितने टाइप्स की बियरिंग होती है। और ये पूछेंगे कि मैप पे आप कौन सी बेयरिंग दिखा सकते हो, तो मैप पे आप केवल और केवल ग्रिड बेयरिंग ही दिखा सकते हो, हाँ ट्रू बेयरिंग की लाइन ज़रूर ब्लैक कलर से दी हुई होती है, ठीक, लेकिन आप मतलब उनको अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो कि सर ट्रू बेयरिंग की लाइन दी हुई होती है, लेकिन हम जो कोई भी पॉइंट होता है वो हम ग्रिड बेयरिंग की ही रिस्पेक्ट में बनाते हैं। फिर आपका आता है बेयरिंग, हो गया ये बेयरिंग के बाद आपका आ जाता है रिसेक्शन और इंटरसेक्शन। तो आप एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रिसेक्शन और इंटरसेक्शन में अंतर क्या है, है ना, तो ये आप देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा क्या होता है, है ना। मैं श्योर नहीं हूँ इसके आंसर के बारे में, क्योंकि मेरे से नहीं पूछा गया था, ये एक मेरा फ्रेंड है उससे पूछा गया था, बट हाँ आप इसको तैयार करके जा सकते हो बिल्कुल, ठीक, इसको आप तैयार करके जाओगे तो मतलब पूछने वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, बन सकता है क्वेश्चन,
और हाँ, मेरे से एक और सवाल पूछा गया था कि अगर आपकी कोई रिवर फ्लो हो रही है तो आप कैसे बताएंगे कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो रिवर में आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरह की एरो दी गई रहती है, वो रिवर की डायरेक्शन बताती है, ठीक, और रिवर की डायरेक्शन उससे पता लग रही होती है। और उसके बाद ये भी पूछे थे कि अगर आपके पास एरो नहीं है तो आप कैसे बताओगे, तो वो कंटूर लाइंस एक तरफ की हाई रहेंगी और दूसरे साइड की मैप की कंटूर लाइंस लो रहेंगी, है ना, तो उससे आप पता लग जाएगा कि ये लेवल हाई है, ये लेवल लो है, तो नदी हमेशा हाई टू लो की तरफ बहेगी, इस तरह से आप बता सकते हो। ये पूछा गया था। और फिर एक नदी से ही एक पतली सी, आप कह सकते हो कि एक रिवर टाइप की, बहुत पतली सी रिवर टाइप की आ रही थी, वो मेरे से पूछे थे कि वो क्या है। तो मैं पहले उसका आंसर देने वाला था, रिवर मैंने दिया नहीं था, बट मैं कहने वाला था कि सर ये एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, रिवर है ना, बट फिर मैंने ध्यान से उसमें देखा मैप में, तो उसमें लिखा था कोई नाला, तो मैंने बता दिया कि सर ये नाला है। तो उन्होंने पूछा कि नाला और रिवर में अंतर क्या होता है, तो फिर मैं थोड़ा सोचा, मैंने बताया कि सर नाला बारिश में या रिवर जब बढ़ती है तो बढ़ जाता है, बट एक्चुअल में उन्होंने कहा कि आप गलत बता रहे हो, नाला वो होता है जो शहर का गंदा पानी ले जाके रिवर में डाले, उसको हम नाला कहते हैं। तो वो एक तरह से वो मैप में आपका दिखेगा, ठीक, ब्लू कलर से ही होता है, तो वो ऐसा लगता नहीं कि वो नाला है, क्योंकि हमारे नाला नाम से हमारे दिमाग में एक ब्लैक पानी वाली इमेज बन जाती है, बट वो मैप में तो ब्लू से दिखाया गया है, ठीक। आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है बगल में, जस्ट छोटा छोटा लिखा है नाला, तो वो आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मैप में देखना होगा, ढूंढना होगा, ठीक, उनका क्वेश्चन सुनते ही उतना मैनेज कर ले जाओगे वहाँ पे जब पूछा जाएगा। तो यही क्वेश्चंस थे, आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं मैप पे और किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और पेपर में इजी क्वेश्चन है मेरी मानिए तो। आप बस जो वीडियोस मैंने डाले हैं, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी मर्जी हो आप करिए, नहीं मर्जी हो मत करिए, बट आप ही के हेल्प के लिए कह रहा हूं कि अगर आपको एक आइडिया लेना है कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और आपसे वहां पे लग जाएं, तो बस एक बार आप क्वेश्चन देखिए जो मैंने कराए हैं, उनका आप एक शॉर्ट नोट्स, खुद की नोट्स जरूर बनाइए उससे, कि हर क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को, चार तरह के ही क्वेश्चन है, तो जैसे बियरिंग का क्वेश्चन है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक, पहले सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट्स में लिखिए कि सबसे पहले हम ये करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद ये करेंगे। जैसे बियरिंग का अगर क्वेश्चन हुआ तो सबसे पहले हम पोजिशन देखेंगे क्वेश्चन में कौन सी है, उसको प्लॉट करेंगे, फिर दूसरी ऑब्जेक्ट हम प्लॉट करेंगे, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन खींच देंगे, फिर मैप पे हम ग्रिड, जो हमारी ग्रिड नॉर्थ होगी उसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और फिर वहाँ से पोजीशन वाली पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन वाली लाइन को जोड़ने वाला जो लाइन होगी उसका एंगल मेजर करेंगे सर्विस प्रोटेक्टर से, वो हमारा जीबी आ जाएगा, फिर वहाँ से जब जीबी आ जाएगा तो हमारा ग्रिड वेरिएशन और मैग्नेटिक वेरिएशन और बाकी सारी चीज़ें दी होंगी, वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, और बेयरिंग का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक। तो वीडियो देखिए, शॉर्ट नोट्स में लिखिए कि क्या कैसे कैसे करना है, आपके पास प्रैक्टिकल फाइल होगी आपकी, उसमें देखिए उसको, जो आप पॉइंट्स लिखे होंगे उसको एक नए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर से वही क्वेश्चन जो वीडियोस में बताया है उन्हीं पे अप्लाई करके देखिए, आ पा रहा है कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है। आई थिंक आप अगर इतना करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारी कोशिश की है कि वीडियो में आपको पूरा बता पाऊँ किस तरह से जो है कैसे टैकल करना है। तो आई होप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, पूछने के लिए आपको मिल जाता है, बट हाँ सामने वाले का अगर सेम हो तभी, सेम वैसे होने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और बस यही कहेंगे कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा ही हो जा रहा है पेपर, सब टेंशन लेके जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड सब सेटिस्फाई हैं कि हाँ सही आंसर दिया। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बाय बाय।